Assalamualaikum. This is Seema Farmanza. How are you all? आज की डिश है चिकन थाई सूप. So let's cook together. थाई सूप की मैं यखनी बॉईल कर रही हूँ. चिकन स्टॉक ये 10 से 12 प्याली पानी ले लें और ये चिकन की हड्डी है. एक फुल चिकन उसको डीबोन कर लें. जो वो गोश्त है चिकन का उसके छोटे छोटे पीसेस बनाने हैं जो हम सूप में डालेंगे. और अभी सिर्फ ये पानी और चिकन बोन कुछ नहीं है. 10 से 12 प्याली है. जब ये कम हो जाएगा अगेन आई विल फिल इट अप विथ वाटर तो अच्छी तरह चिकन का जूस निकल जाए. ये चावल बॉईल किया है मैंने. एक प्याली चावल है. इसको बिरयानी की जैसे तैयार करते हैं वही है. अब मैं इसको डीप फ्राई करूँगी ऑयल में. ये देखिए तेल गर्म हो गया है. ये मैं चावल डाल रही हूँ. चावल को डीप फ्राई करना है. चावल प्लेन पानी में बॉईल किया है उसमें कोई नमक नहीं डाला है. अब ये जब क्रिस्प हो जाएगा गोल्डन ब्राउन तो इसको स्ट्रेनर से निकाल लूँगी. दैट्स इट. ये देखिए ये हो गया है. बस इसको अब स्ट्रेनर से निकालना है. और आप स्ट्रेनर में डालेंगे तो खुद ही सब चावल अलग अलग हो जाएगा. आप चिकन हम मैरिनेट कर रहे हैं. ये पूरी चिकन है. बोन्स मैंने सूप में डाल दी हैं और ये कच्ची चिकन है. अब इसमें एक टीस्पून ऑफ सोया सॉस, हाफ अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट, हाफ अ टीस्पून ऑफ पेपर. बस इसको मिक्स करना है और अब ये हम स्टॉक में डालेंगे जब स्टॉक बॉईल हो जाएगी. बस दैट्स अबाउट इट. वन एग वाइट. ये सब चारों चीज़ें मैरिनेट करनी है और अब चिकन स्टॉक की तरफ चलते हैं. ये 8 प्याली स्टॉक है. इसमें मैं ये मैरिनेटेड चिकन डाल रही हूँ. इसको बॉईल करना है ताकि चिकन गल जाए. फिर इसमें सीजनिंग डालेंगे. सोया सॉस 1 टीस्पून, वाइट पेपर हाफ अ टीस्पून. अब ये सॉल्ट है 1 टीस्पून. सॉल्ट एडजस्ट कर लें टू टेस्ट. शुगर 2 टीस्पून्स, वाइट पेपर हाफ अ टीस्पून और लेमन जूस पड़ेगा 2 टेबलस्पून्स. लेकिन आई विल सी इफ मोर रिक्वायर्ड आई विल ऐड मोर. 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल है. चाहे तो जिसमें चावल तले हैं वही वाला ऑयल स्ट्रेन करके यूज़ कर लें. 2 टेबलस्पून ऑयल, 2 टेबलस्पून्स ऑफ चॉप गार्लिक. इसकी बघार बनानी है. गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो ये सूप पे डालना है. अगर आपको लेमन ग्रास मिले तो जब आपकी चिकन बॉईल हो रही हो उस वक्त एक स्टिक डाल दें तो बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है स्टॉक में. बस अब इसको स्टॉक पे डालना है. अब कम्स द टेस्टिंग पार्ट. तो लेट्स स्टार्ट विद दैट. इट लुक्स वेरी एपेटाइजिंग. दिस इज द सूप and now the rice, crunchy rice. Rice को आप पहले मत डाल के रखिएगा नहीं तो rice बिल्कुल नरम हो जाता है. उसकी beauty उसकी crunchiness है. Let me taste it. बहुत ही अच्छी crunchiness है और soft chicken है. गरम गरम soup है. lemon का बड़ा अच्छी खटास है. बहुत ही मज़ेदार soup है और very light क्योंकि clear soup है ना तो इसमें थिकनिंग तो है नहीं तो वेरी लाइट ऑन द स्टमक. टाइम टू रैप अप नाउ. दिस इज सीमा फलमुंजा साइनिंग ऑफ. लिव लाफ एंड ईट बेटर. अल्लाह हाफिज. टेक केयर.